इस सेक्शन में हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे बेसिस फॉर टोपोलॉजी सब बेसिस एंड लोकल बेसिस ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले कि बेसिस क्या होती है आपने आपका जो फोकस होगा इसमें वो ये होगा कि बेसिस की डेफिनेशन देखने के बाद हम जितनी भी हमारे पास टोपोलॉजीज हैं वेल नोन टोपोलॉजीज उनकी उनमें से हम बेसिस की एग्जाम्पल्स बनाएंगे हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेसिस क्या होती है इनडिसक्रीट की बेसिस क्या होती है यूजुअल टोपोलॉजी की बेसिस क्या होती है लेफ्ट राइट ऑर्डर टोपोलॉजीज की क्या होती है बेसिस ठीक है कोफाइनाइट टोपोलॉजी की बेसिस क्या होती है को काउंटेबल टोपोलॉजीज की बेसिस क्या होती है ठीक है और इसी तरह लोअर लिमिट अपर लिमिट टोपोलॉजी आर पे डिफाइन करते हैं यूक्लिडियन टोपोलॉजी आर स्क्वायर आर थ्री आर फोर इन तमाम की आपको बेसिस लिखना होगी एक तो ये क्वेश्चन आ गया कि आपको किसी भी टोपोलॉजी की बेसिस आनी चाहिए उसके बाद ये कि गिवन टोपोलॉजी अगर आपको कोई टोपोलॉजी खुद से दी गई हो फाइंड द बेसिस आपको एक टोपोलॉजी दी गई है अब उसकी बेसिस फाइनड करेंगे ये, इसकी, ये, इस की क्या होगी इसके अलावा इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर आपको एक सेट नॉन एम्प्टी सेट और एक कलेक्शन ऑफ सेट सबसे दियो जिसे हम बी से जाहिर कर रहे हो तो आप चेक करने के कि क्या ये बी एक्स पे किसी टोपोलॉजी की बेस हो सकती है कि क्या ये एक्स ये बी जो है ये किसी टोपोलॉजी टोपोलॉजी की नहीं दी आपको यहाँ पे, पे टोपोलॉजी नहीं दी हुई आपको जस्ट ये दिए हुए कि एक सेट है आप चेक करें क्या ये किसी किस्म की टोपोलॉजी बना सकता है एक्स पे कि नहीं क्योंकि आर्बिट्रेरी जो सबसेट की कलेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वो उस उसपे एक टोपोलॉजी जनरेट करे जबकि सब पे सब सब, सब बेसिस में जाके हम देखेंगे कि आर्बिट्रेरी कोई भी सबसेट अगर ले लिया जाए तो अल्टीमेटली वो एक सब बेस बन जाता है किसी ना किसी की, ठीक तो है ये हमारा मेन फोकस है। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ़ बेस। क्या होते? बिल्कुल ऐसे ही जैसे लीनियर में स्पेशली आप वैक्टर स्पेस में देखते हैं कि एक वैक्टर स्पेस वी ओवर आर इसकी जो बेसिस है वो कम से कम वैक्टर लेके बनाई जाती है वो कम से कम वैक्टर्स जिनके लीनियर कम्बिनेशन से पूरी वैक्टर स्पेस बन जाती है ठीक है और आप जानते हैं वैक्टर स्पेस में आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन होता है उससे वहां स्केलर मल्टीप्लीकेशन है आप बेसिस से वैक्टर स्पेस जनरेट करते हैं नाउ इन टोपोलॉजी के अंदर बेसिस या सब बेसिस जब आप बनाएंगे तो टोपोलॉजी के अंदर जो आपके पास ऑपरेशन है वो यूनियन और इंटरसेक्शन के, के अंदर सेटों का यूनियन है इंटरसेक्शन है तो पहली बात यही है कि बेसिस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि लेट एक्स एक्सटा बी ए ट्रपोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ बेस फॉर एपोलॉजी फर्ज करे कि आपके पास एक नॉन एम सेट एक ट्रपोलॉजी डिफाइंड है ठीक है बी अब सबसे इंपॉर्टेंट बातिस बेसिस के बारे में ये है कि जो बेसिस है बी वो सबसेट है टा का इसका मतलब है कि बेसिस बनाने के लिए आपको ओपन सेट्स चाहिए हैं टाव में से बेसिस बनाने के लिए ठीक है और इसलिए बाद ओपन बेसिस भी कहते हैं ठीक है यानी बेसिस का हर एलिमेंट ओपन सेट होता है वो टा में से लिया जाता है और ये ऐसी कलेक्शन है सच कोई भी अगर आप ओपन सेट लें टा का तो वो इसके के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सके स्पेस ए क्लास ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स दैट इज इट इज अ बेस फॉर द टा इफ एंड इफ एवरी ओपन सेट जी इज द यूनियन ऑफ है एक एग्जांपल से मैं आपको पहले फर्ज करें कि आपके पास जो सेट एक्स है वो है ए बी एंड सी ठीक है ये एक सेट है अच्छा उसके बाद आप एक टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लेते हैं फाइ है एक्स है ए पी सी ए बी बी सी एन ए सी ठीक है ये हमारे पास एट की एक टोपोलॉजी बन गई है नाउ कंसिडर डी अब आपने इसकी एक बेसिस बतानी है ठीक है और क्राइटेरिया क्या है कि हर ओपन सेट उनके यूनियन से बन जाए मैं यहाँ पे एक आपको आसान सा मेथड बता रहा हूँ क्योंकि आगे नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है हमने गिवन uh, टोपोलॉजी की बेसिस फाइंड करना चालना है तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपने क्या करना है बेसिस के लिए आपने यहां से लेना है एक एलिमेंट साल के तौर पे आपने ए ले लिया टोपोलॉजी में से देखना है, कि करने वाला से से है। तो वो ये वाला है। ए फिर आपने यहां से बी लिया टोपोलॉजी में से देखा सबसे छोटा सेट कौन सा से है जिसमें बी आ रहा है वो ये है B, फिर आपने सी को देखा टोपोलॉजी में से देखा कौन सा सबसे छोटा आ रहा है वो आ रहा है सी बस ये आपने ले लेना है यानी आपने बेस बनाने के लिए क्या करना है हर एलिमेंट के आपने वो सेट ले लेना है इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे अब देखें बाय चेक करें इसको कोई भी आप लेते हैं ओपन सेट साल के तौर पे आप ये ओपन सेट लेते हैं ए बी ए बी इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम बेस एलिमेंट यहाँ से क्या होता है आप कहते हैं एम टी को एम टी सेट के फिक्र नहीं है कि हम उसका बोझ उठाते रहे क्योंकि बेसिस में हमें कम से कम एक्टर करने होते हैं तो ये पहले फॉर दिस टॉजी टाप ठीक है अच्छा नेक्स्ट वन एक और क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बेसिस किसी भी टोपोलॉजी की जो बेसिस है क्या वो यूनिक होती है आंसर इज नो मसलन आप कोई मैं एक और और बेसिस लेता हूं ए बी सी साथ में एक और ए सी भी रख लेता हूँ ये वाला ठीक है अब ये बी वन बी एक बेसिस है टोपोलॉजी की क्यों ये बेसिस है क्योंकि डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है ये भी एक ऐसी कलेक्शन है कि जिसमें अगर आप कोई भी ओपन सेट लें यहाँ से टाप में से तो वो इनके यूनियन में लिखा जा सकता है ये भी एक टोपोलॉजी है ठीक मतलब तो इसका मतलब है कि में भी युनी, नहीं होना नहीं। लेकिन आप एक रिजल्ट नोट करें कि ये जो स्मॉलेस्ट बेसिस बनाई गई हम, हमने बनाई थी कि अगर बी फर्ज करें बी एक बेसिस है टोपोलॉजी की अब जो भी इसका सुपरसेट होगा ना सुपरसेट का मतलब जिसमें ये वाला तीन एलिमेंट जरूर हो

of of X is is a base for topology if if and only if every open set is the union बेस फॉर टोपोलॉजी ओपन agar aapne ek open आपके liya करवाता हूँ देखिए अगर andar तो उसके corresponding आपको union of बेस एलिमेंट मिल जाएगा यानी अगर आप फर्ज करते हैं कि X topological space है, P एक टोपोलॉजिकल स्पेस है पी एक पॉइंट है जो किसी ओपन सेट में पड़ा है इसके क्रॉसिंग

अब कोई भी पॉइंट यूनियन में कब होता हैं अगर इफ देर एग्जिस्ट अगर एक एलिमेंट इस यूनियन में ऐसा पड़ा है ठीक है इन, इस कलेक्शन में, अगर कोई एक बीपी जिसमें पी पॉइंट है साफ जाहिर है, अगर पॉइंट पी इसके यूनियन में पड़ा है तो फिर किसी ना किसी से सेट में तो होगा ना जिसकी वजह से यूनियन में बीपी वो सेट है जिसमें ये पॉइंट है

अब उम्मीद है कि आपको भूलेगी नहीं ठीक नाउ आर नाउर सबसे पहले एग्जाम्पल हम वही दोबारा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ आपको अगर हमारे पास एक्स नॉन एम सेट है और टोपोलॉजी हमारे पास है डिस्क्रीट टोपोलॉजी पावर सेट ऑफ एक्स तो फिर आपने देखा कि उसकी जो बेसिस है वो कैसी होगी सिंगलटन पे मुश्तमिल होगी अगर आप सारे सिंगलटन ले लें ले, तो वो बेसिस बनाएंगे क्योंकि सिंगलटन से बाकी सारे बन जाएंगे

सॉरी ये अगर आप लोअर लिमिट है तो आप क्या करेंगे ए पे इसको क्लोज कर देंगे दिस इज़ द लोअर लोअर लिमिट लिमिट ऑन आर आर ए बी इन इनसे जनरेट होती है ठीक है <coughs> इसी तरह अपर लिमिट टोपोलॉजी भी आप बनाते हैं अपर लिमिट टोपोलॉजी की बेस क्या होती है अपर टोपोलॉजी ए बी बी पे वो क्लोज होती है ए बी इन

By definition, इसका मतलब है जो जो हैं ये इसकी बनाते हैं। अच्छा अब कोई भी भी उसकी सब collection, जो जिनके union से open disk बनती हो तो वो भी बन जाएगी क्योंकि उसके यूनियन से ओपन डिस्क बन जाएगी ओपन डिस्क के यूनियन सेट बन जाएगा साल के तौर पर यह एक एग्जाम्पल है ये कलेक्शन ले लिया है बेस ये भी एक collection ले लिया है यहाँ पे इन्होंने की ये रेक्टेंगल्स की कलेक्शन ले लिया जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के है इसकी ठीक है इसका मतलब यहाँ यहाँ से, से तो कर सकते हैं तो ये जो ओपन रेक्टेंगल्स है ये भी इसकी बेसिस बनाते हैं आगे चल के आप देखेंगे इक्विलेटर ट्राइंगल्स की कलेक्शन भी इसकी बेसिस बनाती है क्योंकि इक्विलीटर ट्राइंगल पे भी आप ऐसे आप एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं ठीक है ये इन ट्रा बन जाए इसके ठीक इसी तरह आप ले सकते हैं यहाँ पे स्केयर्स की कलेक्शन भी ओपन की कलेक्शन भी ले सकते हैं ओपन इसलिए कि वो खुद जाते खुद ओपन सेट होने चाहिए तो इसमें से भी एक आप डिस्क जनरेट कर सकते हैं ठीक, तो for, ठीक। अच्छा, है तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बेसिस फॉर विद टोपोलॉजी ठीक है अच्छा नाउ देर आर समझ रिजल्ट हैं हमारे पास ये एग्जाम्पल हमारी होगी नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि अगर समझे हमारे पास अगर आपको कोई भी क्लास दी जाए बीटा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स ठीक है तो क्या ये जरूरी है कि वो किसी टोपोलॉजी की बेस बन जाएगी आंसर इज नो फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देख एक सेट है ए बी सी पड़ा है उसमें एक कलेक्शन है जिसमें दो आपके पास सेट हैं ए बी और बी सी ठीक है चेक करें कि क्या ये बेसिस बनाती है टोपोलॉजी की ठीक है पहले हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिर मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ इसमें एक प्रॉब्लम है देखिए इसमें प्रॉब्लम है कि बेसिस में ओपन सेट पड़े होते हैं जी और जी ये दोनों ओपन सेट हैं जी वन जी टू अगर दो ओपन सेट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा ओपन सेट होता है इसका मतलब है कि जो बी है ये भी ओपन सेट है अब ये ओपन सेट है तो फिर इसका मतलब ये है कि बेसिस के एलिमेंट्स के यूनियन से ये बनना चाहिए अब ये बी इनके यूनियन से नहीं बनेगा इसका मतलब है कि ये बेसिस नहीं हो सकती किसी भी टोपोलॉजी ठीक है अच्छा अब कौन सी कंडीशन ऐसी है जो हम बी पे लगाए लग तो ये बेसिस बन जाएगी यानी हमें पहचान कैसे होगी कि भाई ये बेसिस बनाती है तो दो कंडीशन है नंबर वन सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने उन दोनों का आपने क्या करना है आपने एक्स को साबित करना है कि उनके यूनियन से एक्स बन जाए जो इस एग्जांपल में भी कंडीशन पूरी हो रही थी आप जब इसका यूनियन लेंगे तो एक्स पूरा बन जाएगा ठीक है फर्स्ट कंडीशन ये है कि इज़ द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ़ कि उनके यूनियन से एक्स बनना चाहिए पहली तो कंडीशन कोई भी आपको दे दे पहले आप चेक से कोई से दो वेक्टर उठाते हैं कोई से दो सेट्स लेते हैं तो क्या उनके इंटरसेक्शन से जो आंसर आ रहा है वो भी उसमें पड़ा कि नहीं पड़ा ठीक है आपने चेक करना है कि कोई से दो अगर आप उसके सेट लेते हैं उनका जो इंटरसेक्शन है

ठीक है अगर ये दो कंडीशन पूरी होती हैं तो फिर वो कलेक्शन हमारी बेस बन जाती है ठीक ओके नेक्स्ट ये हमारे पास है एक यूजुअल ओपन क्लोज इंटरवल ठीक ये मैंने आपको बता दिया राइट आर्डर टोपोलॉजी और इसकी बेसिस नीचे थी हुई नेक्स्ट आ जाए आगे ये इसकी बेसिस थी हुई है ठीक है अब हम इस, इसी टॉपिक की एक्सरसाइजेस पे चले जाते हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स शो द इक्वलेंस ऑफ द टू डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया बेसिस की दो तो डेफिनेशन आपस में कैसे इक्वल है ठीक है यह हमें प्रूव रिक्वयर्ड नहीं हैल नहीं। ट्राइंगल या स्केर, open हो, तो ये एक इसकी बेसिस बना देती है नंबर थ्री मैंने आपको जो भी मैंने बता दिया अगर बीटा एक बेसिस ऑफ किसी भी ट्रपोलॉजी की बीटा बेसिस है ठीक है किसी भी ट्रोपोलॉजी तो पीटा स्टार एक ऐसी ऐसी क्लास है जो कंटेन करती है पीटा को यानी वो सुपर क्लास है पीटा की मतलब क्या है इसका कि ये बेसिस है इसके सारे जो सेट्स हैं वो बी स्टार में भी हैं ठीक है और बी स्टार बी टा का साफ जाहिर है सबसेट है तो फिर बी स्टार भी बेसिस क्यों क्योंकि पी के जो मेम्बर्स हैं वो पूरी टिपोलॉजी जनरेट कर रहे थे अब वो तो इसमें है ना यानी बीटा के मेंबर्स के यूनियन से पूरी टेपोलॉजी बन रही थी वो तो इसमें भी है लिहाजा वी आर सेफ ये भी बेसिस बन सकती है ठीक है ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी कर दिया आगे चलते हैं डिस्क्रीट 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 स्पेस स्पेस अगर स्पेस हो तो उसकी बेसिस क्या होती है अभी मैंने बता दिया आपको कि उसकी बेसिस सिंगलटन होती है प्लस एक और रिजल्ट कि डिस्क्रीट स्पेस क्योंकि यूनिक नहीं होती बेसिस डिस्क्रीट स्पेस की अगर कोई भी बेसिस लें आप कोई भी बेसिस तो वो तब तक बन ही नहीं सकती जब तक उसके अंदर सिंगलटन नहीं होते ठीक है शो दैट एनी क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज बेसिस इफ एंड ओनली इफ इट इज सुपर क्लास ऑफ क्यों नहीं होती मैं आपको बताता तो। हूँ। उसकी वजह ये है कि डिस्क्रीट स्पेस में जो सिंगलटन होते हैं वो टोपोलॉजी में होते हैं अब जब तक आप सिंगलटन को एज इट इज बेसिस में नहीं लेंगे तो ये सिंगलटन जो ओपन सेट है ये फिर यूनियन से कैसे बनेंगे बाकी होंगे ये एज इट इज बाहर रखने पड़ेंगे आपको इसका मतलब है कि कोई भी बेसिस हुई b स्टार तो उसमें ये सिंगलटन जरूर होंगे तो वो सब तो वो इसका मतलब है वो सुपर क्लास होगी b की वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्राइटेरिया भी मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी सेट बेसिस कब होता है नंबर वन जब x इज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बेसिस नंबर टू उनका जो इंटरसेक्शन होता है दो मेंबर्स का वो भी बेसिस के अंदर होना चाहिए ठीक है नंबर 6 पे आ जाते हैं बीटा एंड बीटा स्टार तो आपके पास बेसिस हैं बी एंड बी स्टार दो कि स्टार। 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 बी का हर मेंबर बीटा बीटा का हर मेंबर जो है बी वो क्या है वो यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी स्टार है इस तरह से या अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि एक टोपोलॉजी की जो बेसिस है उसके जो मेंबर्स हैं वो दूसरी टोपोलॉजी के बेसिस के मेंबर्स से बन सकते हैं ठीक है Then, इसका फिर क्या मतलब? इसका मतलब फिर ये होगा कि क्योंकि बी स्टार में ये सलाहियत है बी स्टार में कि वो बी के एलिमेंट्स को बी यून, उसके यूनियन में लिखा जा है यानी जनरेट कर सके इसका मतलब है कि फिर बी स्टार जो है ना वो टोपोलॉजी टा बी जनरेट कर लेगी This one also. फिर सुन अगर अगर बी जो बेसिस यूनियन में लिखा जा सकता है तो फिर बी स्टार्टॉजी मतलब टा भी जनरेट कर लेगी ठीक है इसका मतलब यह है कि टाइज ऑल्सो क्योंकि जब बी स्टार ने टा स्टार को जनरेट करना है तो यूनियन ही लेने अब वो यूनियन लेते हुए टा भी बन जाएगा क्योंकि बी भी, भी बना क्योंकि इनके यूनियन से बी भी, भी बन जाएगा उससे टा भी बन जाएगा और एक्चुअली ये बी स्टार ये टा स्टार की हमारे पास बेसिस इसका मतलब है कि देन इस देन टा 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 इज स्टार स्टार फिर स्टार बड़ी टोपोलॉजी है अगर बी स्टार जो है उसके वो बी भी, भी जनरेट कर देती है तो वो टा भी जनरेट कर देगी ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्यों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हम टेपोलॉजी को प्रूव कर सकते हैं कि कोर्सर कौन सी और फाइनर कौन सी है

और जो अपर लिमिट टोपोलॉजी की बेसिस है अपर लिमिट का मतलब है कि वो बी पे क्लोज है ए बी अगेन आर द रियल नंबर्स अब हमने क्या साबित करना है हमने ऊपर रिजल्ट यूज रिजल्ट जो बनाया वो यूज करना है हमने ये साबित करना है कि हर इंटरवल यानी बी का हर मेंबर बी स्टार के एलिमेंट्स के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एनी आर्बिट्रेरी इंटरवल फ्रॉम

ये फर्ज करें कि आपके पास बी है ये ओपन इंटरवल है ए बी अब पहला सेट क्या है यहाँ पे ए ये फिक्स्ड है हर सेट में लेफ्ट हैंड पॉइंट ए तो लिहाजा यूनियन में ए ही आना, इस तरह ही आना, है। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं राइट right हैंड पे देखें, एन वन पुट करेंगे तो बी माइनस वन बी में से वन माइनस फर्ज करेंगे ए से बी माइनस वन ओवर टू बी माइनस वन ओवर टू नेक्स्ट सेट क्या आएगा बी माइनस वन ओवर थ्री बी माइनस और ये किसको अप्रोच करेगा जब एन अप्रोचे होगा तो पी माइनस वन अब पी माइनस वन ओवर बी ठीक है इसका मतलब ये है कि p इंक्लूड नहीं होगा चाहे एन को जितना भी पढ़ा लेना आप बी नहीं आएगा जब बी नहीं आएगा और बी से दूर भी नहीं रहेगा जब लिमिट लेंगे तो बी हो जाएगा इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन है ये पी की तरफ बढ़ रही है A B -1, A से B -2, A से अप लेकिन शामिल नहीं होगा, because B -1 over N always less than B. तो इसका मतलब है जब आप इनका यूनियन लेंगे, तो जो लार्जेस्ट आएगा इंटरवल वो क्या होगा वो ए बी होगा इसका मतलब है कि अपर टोपोलॉजी के यूनियन में लिख सकते हैं इसका मतलब है कि फिर यूजिंग द द

अपर में ओपन है तो क्या करेंगे इनको आप इन, इस तरह के इंटरवल के की फॉर्म में लिख देंगे अप्रूव करना है कि ओपन भी है और क्लोज भी है ओपन तो बाई डेफिनेशन है क्योंकि ये बेसिस के अंदर पड़ा है तो ये ओपन है क्लोज के लिए क्या करेंगे इसका हम कंप्लीमेंट ले लेंगे इसका जो कंप्लीमेंट आता है वो क्या आता है माइनस ए ठीक है यानी आप ए तक जा सकते हैं माइनस इधर इधर बी में बी नहीं ले सकते प्लस इंफिनिटी तक जा सकते हैं और आप पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों सेट इन दोनों तरह के जो सेट हैं ये ओपन होते हैं तो इनका यूनियन भी ओपन होता है अगर इसका कंप्लीमेंट ओपन है तो फिर ये खुद क्या है ये क्लोज है ठीक है तो इस तरह करके आप जस्ट इंटरवल लेके तो ये खत्म कर देंगे दिस इज द एक्सरसाइज फॉर बेसिस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब बेसिस एंड लोकल बेसिस